हम जब पढ़ते हैं दसवीं क्लास आठवीं क्लास, तो हमारे पास छः सब्जेक्ट थे जब मैं पढ़ता था। मैं तब की बात बताऊं, आज हो सकता है ज़्यादा कम हो गया हो। जब हम पढ़ते थे तो हमारे में छः सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट में हमें कम से कम 33 नंबर चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 लाओ, 99 लेके आओ, 100 लेके आओ, 100 ले आओ, पर कम से कम कितना लाओ, 33। छः सब्जेक्ट हैं और छः सब्जेक्टों में यदि एक सब्जेक्ट में 2 नंबर कम रह गए, 31 नंबर आ गए, तो फेल होने की संभावना सप्लीमेंट इत्यादि आ जाएगी। हाँ या ना? तो हम आठवीं क्लास से नौवीं क्लास में तब पहुंचते हैं जब छहों सब्जेक्ट में हमारे बराबर अच्छे नंबर हों। अभी आप लोग कौन सी क्लास में हैं? बोलो मैं, आप कौन सी क्लास में हो? अभी हम मनुष्य क्लास के लोग हैं। अभी हम किस क्लास के लोग हैं? अभी हम किस क्लास में हैं? मनुष्य क्लास में। अभी हम किस क्लास में हैं? फटाफट बोल दो। अभी हम, आप कौन है? मनुष्य है ना, आप कौन हो? मनुष्य। तो अभी हम किस क्लास में हैं? मनुष्य क्लास में। अब मनुष्य से श्रेष्ठ क्लास कौन सी है? आगे की क्लास क्या है? देवता। मनुष्य से श्रेष्ठ कौन है? देवता। तो आपको मनुष्य क्लास से यदि देव क्लास में जाना है, आगे की क्लास में जाना है, तो आपके जीवन में भी 6 सब्जेक्ट हैं और 6ों में कम से कम 33 नंबर चाहिए। अब वो 6 विषय कौन कौन से हैं गिन लो। पहला विषय है पुत्र धर्म। इतनी सेवा करना अपने माता पिता की, इतनी सेवा करना कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं। माँ बाप की इतनी सेवा कर लो कि कम से कम श्रवण को कितने नंबर मिले, श्रवण को कितने नंबर मिले, पूरे 100। राम जी को कितने नंबर मिले, पूरे 100। और आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको कितने नंबर मिलेंगे अपने माता पिता की सेवा करने में? पहला विषय है ये, पहला सब्जेक्ट है मनुष्य क्लास का। 6 सब्जेक्ट में पहला है मातृदेवो भव। माता पिता की इतनी सेवा कर लो बेटे के लिए और बहुओं का भी सुनते चलना साथ साथ। सास ससुर की इतनी सेवा कर लो कि तुम्हें 33 नंबर तो मिल जाए बहुरिया, वरना गति बिगड़ जाएगी। इतने नंबर तो कम से कम 33 तो मिले। तो पहला माता पिता का खूब ख्याल रखो। हम श्रवण नहीं बन सकते माना की, पर जो बन सकते हैं भैया वो तो बनो अच्छे से अच्छा, है ना। तो पहला मातृदेवो भव। दूसरा विषय है आपका एक अच्छे पति धर्म। पति धर्म प्लस पत्नी धर्म, पुरुषों को पति धर्म और स्त्रियों को स्त्री धर्म, पातिव्रत धर्म। ऐसे पति बनना, ऐसे पति बनो कि कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं। मैया बताओ अपने पति को कितने नंबर दोगी आप? 90 देंगी? बधाई हो, आप पास हो रहे हैं। 90, 10 नंबर फिर भी काट लिया मैया ने। आप कितने नंबर देंगी मैया?
24 90 90 के लगभग आप कितना देंगे? हाँ पूरे 100। मैया ओ मेरी माँ यहाँ देखो, आप कितने नंबर देंगी दादाजी को? अच्छा बताओ आप अपनी पत्नी को कितने नंबर देंगे? 80 पत्नी ने तो आपको 90 दिए, आपने 20 काट लिए। दादाजी आप बताओ आप अपनी पत्नी को कितने नंबर देंगे? 100। और आप? नब्बे देंगे। पति तो पूरे दे रहे हैं आपको नंबर। तो पहला माँ बाप की इतनी सेवा करो कि 33 नंबर आए, ऐसे पति बनो और ऐसी पत्नी बनो कि 33 नंबर आए। अपने पति के होते हुए पराई नारी को देखो गे, और अपने पत्नी के होते हुए पराई नारी और पति के होते हुए पराई पुरुष को देखना पाप है। तो ऐसा पति बनो और ऐसी पत्नी बनो कम से कम 33 आए, अधिक से अधिक फिर आए तो अच्छा है। ठीक है ठीक है। मैया आप कितने नंबर दोगी? 99। वाह। और परमेश्वर कितने देंगे आप बताओ? सरकार 90। 10 नंबर काहे के कट गए? ये 10 नंबर काहे के कट रहे हैं बताओ, कहाँ गलती है इनकी? कुछ गलतियां हैं। अब आप लोग आपस में बात कर लेना कि आप कितने नंबर देंगे, आप कितने नंबर देंगे। तो पहला विषय माता पिता की सेवा में 33 नंबर, दूसरा पति अच्छे बनो 33 नंबर, तीसरा सब्जेक्ट है आपका पिता धर्म। अब आप क्या बन गए? पिता। तो आपका बेटा है तो आप पिता हो गए, आपका बेटा है तो आप माँ हो गई। तो माँ पुरुष को पितृधर्म पिता धर्म और स्त्री को मातृधर्म। अब तुम अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार तो देना ही देना कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए भगवान की तरफ से कि चलो तुमने बेस्ट बेटा दिया देश को। बेटी हो तो झांसी की रानी जैसा जैसी, और बेटा हो तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा, महाराणा प्रताप जी जैसा, शिवाजी जैसा महापुरुष अच्छा हो बेटा। क्यों मेरी माँ? तो अच्छी संतान तैयार करना, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते वो माँ बाप फेल हो गए इस सब्जेक्ट में, पिता धर्म और मातृधर्म में। तो आप संस्कार दोगे ना? तीसरा विषय है ये, ठीक है। चौथा विषय गृहस्थ धर्म। चौथा विषय कौन सा? जोर से गृहस्थ धर्म में क्या क्या आ गया? गृहस्थ धर्म में आ गया, गृहस्थ धर्म में आ गया कि आपके अंदर दया हो, द्वार पर कोई आए तो भूखा ना जाए। आपके अंदर क्या हो? दया हो। द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए, भोजन पानी, गृहस्थ धर्म। कब कौन आ जाए आधी रात को दरवाजा खटखटाए और भूख लगी है कहे भोजन मांगे तो सहर्ष उसे भोजन, गृहस्थ धर्म। चौथा धर्म कौन सा? गृहस्थ धर्म में सारी बातें आ गई फिर, है ना, व्यवहार आ गया, रिश्तेदारी निभाना है, संबंध बनाने हैं, साढ़ू है, समधन है,
है ना, सबसे एक अच्छा संबंध, भाई से अच्छा व्यवहार, सारे संबंध आ गए इसमें। इतना अच्छा रिश्ता रखना अपने भाई से कि 33 नंबर मिल जाए, इतना अच्छा रिश्ता रखना अपने परिवार से कि 33 नंबर मिल जाए, और इतनी सेवा करना अतिथियों की कि कम से कम 33 नंबर मिल जाए, ये गृहस्थ है। एक में ही सब आ गया। पांचवा है दान धर्म। पुत्र धर्म, पति धर्म, ऐसे ही दान धर्म। हम जो भी कमाएं उसका कुछ हिस्सा दान धर्म के लिए, दान ही धर्म है, तो दान के लिए उसे रखें संभाल कर, तो दान। और छठा विषय है भक्ति धर्म। आखिरी जो भगवान से आपका संबंध है, भगवान से क्या है, संसार का संबंध तो कुछ दिनों का है, ये संबंध तो सदा का है, तो कुछ दिनों के संबंध के लिए सदा वाला संबंध ना टूट जाए, कर्तव्य पूरे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, कर्म पूरा करता हुआ सदा अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना, ये परम धर्म है। ये क्या है, परम धर्म। कितने विषय हो गए, 6, गिना सकते हो आप हमें, तो दोहरा लो फटाफट, 6 विषय कौन कौन से हैं। पहला क्या है, क्या है, पुत्र धर्म। दूसरा क्या है, हाँ, पति धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म। तीसरा क्या है, हाँ, तीसरा है पिता धर्म। पहला पुत्र धर्म, तीसरा पिता धर्म, के पुत्र को संस्कार देना है अच्छे रास्ते पर, पिता धर्म। चौथा गृहस्थ धर्म। पांचवा सत्य धर्म। इतना सत्य बोलना हरिश्चंद्र जैसा ना सही, तो जीवन में इतना सत्य तो बोलो कि उस सत्य बोलने में 33 नंबर मिल जाए आप लोगों को, कि चलो भाई हम इतना सत्य तो बोले हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना। और छठा धर्म है परम धर्म, भगवान में मन लगा देना, भगवान के हो जाना, ये छठा धर्म है। ये किस क्लास का धर्म है, किस क्लास के 6 विषय हैं, ये मनुष्य क्लास के। यदि आपने इस मनुष्य शरीर को पाकर ये 6 सब्जेक्टों में 33-33 नंबर भी ले आए, तो आपका मोक्ष, आपकी आगे की गति सुनिश्चित हो जाएगी। ये प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक मानव तन को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। 6 विषय। तो मनुष्य का धर्म क्या है, समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, पर आपको अपने धर्म का परिचय जरूर देना चाहिए। धर्म हमें मजबूत करता है। आज हमें और आपको लोग तब जानेंगे जब हमारे अंदर धर्म होगा।